hey guys welcome back to the channel and we are on question number five of striver cp math playlist and uh, now the question is array with awesome okay so you are given an array a consisting of n integers in one move you can choose two indices which where one is less than or equal to i and j and j is less than or equal to n so indices only that would be in the range of between 1 and such that i is not equal to j and set ai is equal to j whatever that symbol is you can perform such moves any number of times

आप दो इंड ले रहे हो आप, विचार आई और जो AI है, आप उसको AJ के कर दे रहे हो ठीक है तो आप AI की वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हो विद द वैल्यू ऑफ एन एरे विद एन ऑड ऑड मीन नॉट डिबल बाई टू एलिमेंट्स ओके सो आपको टास्क ये है कि आपको ये बताना है कि आप एक एरे ऐस, ऐसा एरे बना सकते हो जिसका सम आए ना जब एलिमेंट्स का दैट वुड बी ऑड

क्वेश्चन को थोड़ा सा ना मैं फील करवाता हूँ एक ऑड हुआ और इसके अंदर सारे इवन हुए ठीक है या ऐसे सोचते हैं एक एरे है एरे को आप किस तरीके से डिवाइड कर सकते हो कि कुछ एलिमेंट्स का सम इवन आ रहा होगा और कुछ का ऑड आ रहा होगा राइट फर्स्ट केस तो अगर उनका e, किसी भी कुछ भी सम का ऑड आ रहा होगा तो रिजल्टेंट वुड बी एन और ऑड ठीक है इवन प्लस अगर मैं ऑड करूंगा तो रिजल्टेंट ऑड ही आएगा राइट कि कुछ का मेरा सम ऐसी कुछ सिचुएशन है हमारे पास ओप्स सो या से कुछ सिचुएशन है इवन प्लस ऑड करूंगा तो मैं ऑड आएगा तो क्या मैं इसको इवन और, और दो हिस्सों में कैरेक्टर दो हिस्सों में बांट सकता हूं ठीक है अनदर थिंग एक और चीज है कि इसके अंदर मैं ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहा हूं मैं ए आई की वैल्यू सेट भी कर रहा हूं एजे तो अगर मेरे पास कोई भी एक ऑड बचा और बाकी मेरे पास इवन पार्ट है राइट अब यहां पे ना एक केस क्या हो सकता है कि जो ऑड ऑड वैल्यूज का सम है जैसे हमने यहाँ पे देखा फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव ये ट्वेंटी बन रहा था थी तो ये सारी और वैल्यूज तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ ये सम मेरे को ट्वेंटी दे रहा है मैं बाकी बचे फाइव को चेंज कर सकता हूँ ना मैं इसको किसी इवन से रिप्लेस कर सकता हूँ अगर मैं इवन से रिप्लेस कर दूंगा तो इवन टाइम्स वन इवन टाइम्स टू थ्री दैट वुड बी एन इवन नंबर और मेरे पास बच गया एक और एक और ही काफी है मेरे पास पूरे सम को और बनाने के लिए अगर मेरे पास बाकी सम इवन है तो पर मैं इस और को चेंज कैसे कर पाऊंगा जब मेरे पास कोई एक इवन होगा तभी तो मैं इसके साथ चेंज कर पाऊंगा नाउ द लॉजिक इज कि आप और तो बना लोगे अगर आपके पास एक और हुआ और आपके पास एक Even भी हुआ उससे क्या होगा कि अगर जो मेरे बाकी सारे ऑड है उसको मैं इवन में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा एंड जो एक ऑड है वही इनफ है मेरे पूरे सोल्यूशन को मेरे पूरे सम को ऑड बनाने के लिए तो लेट्स मूव टू सेक्शन टी दिया टेस्ट केसेस दिया फॉर द

If you find this video helpful, just like and share it with your friends. All the links are in the description. See you in the next one.